टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 9. द नेम ऑफ द चैप्टर इज जर्नल प्रॉपर. सो फर्स्टली डिस्कस द मीनिंग ऑफ जर्नल प्रॉपर. इट इज़ अ रेजिड्यूरी बुक विच रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स विच आर नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी अदर सब्सिडरी बुक्स. हमारे पास अकाउंटेंसी में जर्नल होता है, लेजर होता है. इसके बाद हमारे पास कुछ सब्सिडरी बुक्स होती हैं. सब्सिडरी बुक्स में हमारे पास कैश बुक आती है, परचेज बुक आती है, परचेज रिटर्न आती है, सेल्स बुक आती है, सेल्स रिटर्न बुक आती है. ये सभी हमारे लिए सब्सिडरी बुक्स हैं. जो एंट्री इन सब्सिडरी बुक्स में नहीं रिकॉर्ड होती वो कहाँ रिकॉर्ड होती है? जर्नल प्रॉपर में. क्लियर? तभी लिखा गया है इट इज़ अ रेजिड्यूरी बुक विच रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच आर नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी अदर सब्सिडरी बुक. जो किसी भी सब्सिडरी बुक्स में नहीं रिकॉर्ड होती वो कहाँ रिकॉर्ड होती है? जर्नल प्रॉपर में. इट इज़ ऑल्सो नोन एज जर्नल जर्नल. इसको हम जनरल जर्नल भी बोलते हैं. अब देखो कौन सी ट्रांजेक्शन होंगी. जैसे कैश बुक है, कैश बुक में सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी. परचेज बुक्स में जब गुड्स को परचेज किया जाता है वो वाली एंट्री यहाँ रिकॉर्ड होगी. परचेज रिटर्न में जो गुड्स हमने परचेज की थी अगर हम उसको रिटर्न कर रहे हैं तो वो परचेज रिटर्न में चली जाएगी. सेल्स बुक में जब हमने गुड्स को बेचा तो वो सेल्स बुक में चलेगी. सेल्स रिटर्न बुक जब हमारी बिकी हुई गुड्स हमें वापस मिल जाती हैं तो वो सेल्स रिटर्न होता है. सो कैश वाली एंट्री चलेगी यहाँ, परचेजेस वाली यहाँ, परचेज रिटर्न देन सेल देन सेल्स रिटर्न. बट इसके अलावा भी कंपनी में कुछ ट्रांजेक्शंस होती हैं जो सब्सिडरी बुक्स में कवर नहीं होती. वो सारी कहाँ जाती हैं? जर्नल प्रॉपर में. एग्जांपल इज सोल्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट. अब फर्नीचर एसेट है, हमने एक एसेट को बेचा तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे सब्सिडरी में? कहीं भी नहीं, क्योंकि सेल्स में तो सिर्फ गुड्स आती हैं, फर्नीचर तो एसेट है. क्लियर? सो जितनी भी एसेट्स को अगर हम बेचते हैं या खरीदते हैं उधार पे तो दैट विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर. उधार पे सिर्फ अगर आपने पैसा दे के खरीदा है फिर तो वो कैश बुक में चली जाएगी. देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, खर्चे हैं, देने हैं, अभी तक नहीं दिए, तो वो भी कौन सी बुक में जाएगा? जर्नल प्रॉपर. क्लियर? सो अगर हम सिंपल टर्म में बात करें तो जर्नल प्रॉपर में वो सारी बची कुची एंट्रीज जाती हैं जो हमारी किसी भी सब्सिडरी बुक में नहीं जाती. क्लियर? अब इस जर्नल प्रॉपर के चैप्टर में हम बेसिकली चार ट्रांजेक्शंस पढ़ेंगे. ओपनिंग एंट्री पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट एंट्रीज पढ़ेंगे, ट्रांसफर एंट्रीज पढ़ेंगे एंड मिसलिनियस एंट्रीज पढ़ेंगे. आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जर्नल प्रॉपर कुछ सेपरेट नहीं है, ये बिल्कुल सेम है जैसे हमने जर्नल पढ़ा सिंपल. क्लियर है? जर्नल में हम क्या करते थे, सारी एंट्रीज को मिक्स लिख देते थे, चाहे वो परचेजेस की हो, चाहे वो सेल्स की हो, या सेल्स रिटर्न की हो, या कैश की हो, किसी भी नेचर की हो, सभी ट्रांजेक्शंस को इकट्ठे लिखा जाता था. बट जर्नल प्रॉपर में हम सिर्फ वही ट्रांजेक्शन लिखेंगे जिसको और कहीं भी सब्सिडरी बुक्स में कोई जगह नहीं मिली. सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द एक्सरसाइज. Now the question number 1 is related to opening entry. Navjot started business on February 1, 2020 with his own cash 50,000, building 5,50,000, stock of goods rupees 85,000, furniture 95,000, motor vehicle valued at 1,80,000. He also borrowed 70,000 from bank. Pass an opening entry for the same. हमने ओपनिंग एंट्री जर्नल वाले चैप्टर में भी पढ़ी है, बिल्कुल सेम है. यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है. जितनी भी एसेट्स होंगे डेबिट कर देंगे, जितनी भी लाइबिलिटीज होंगे क्रेडिट कर देंगे और बाद में बैलेंसिंग फिगर देख लेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले हमें कैश दिया गया है. कैश हमारे लिए एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है. सो कैश अकाउंट डेबिट लिख लिया 50,000. देन आपको बिल्डिंग गिवन है, बिल्डिंग भी हमारे लिए एसेट होती है, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, लिख लिया 5,50,000. देन स्टॉक आपको गिवन है, स्टॉक भी हमारे लिए एसेट है, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, हमने लिख लिया 85,000. देन आपको फर्नीचर गिवन है, फर्नीचर भी हमारे लिए एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस लिख लिया 95,000. मोटर वैन आपको गिवन है, ये भी हमारे लिए एसेट है, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, हमने लिख लिया 1,80,000. सो जितनी भी एसेट्स थी हमने लिख ली डेबिट में.
अब एक लाइन हमेशा स्किप कर देनी है, फॉर द बैलेंसिंग। क्रेडिट में लिखा गया था कि उन्होंने बैंक से कुछ अमाउंट बोरो किया है, मतलब बैंक से हमने लोन लिया है, लाइबिलिटी है। सो लिख लिया बैंक लोन अकाउंट, लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, लिख लिया 70,000। क्लियर। अब हमने इसकी टोटलिंग करनी है, इक्वल करना है डेबिट और क्रेडिट को। अगर हम डेबिट साइड देखें, 50,000 प्लस 5,50,000 प्लस 85,000 प्लस 95,000 प्लस 1,80,000, ये सभी को प्लस करके आपके पास बन रहा है 9,60,000। और क्रेडिट साइड आपके पास है सिर्फ 70,000। सो कौन सी साइड आपकी कम आ रही है? क्रेडिट साइड। जब क्रेडिट साइड कम आता है तो हम क्या लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर को? कैपिटल अकाउंट। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। अब इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेबिट साइड का टोटल बन रहा था 9,60,000, इसमें से हमने 70,000 माइनस कर लिया, तो बैलेंसिंग फिगर हमारे पास आ गई 8,90,000, जिससे डेबिट और क्रेडिट आपस में क्या हो गया? इक्वल। क्लियर। सो जितनी भी एसेट्स होती हैं उनको डेबिट कर लिया, जितनी भी लाइबिलिटीज है क्रेडिट कर लिया, बाद में बैलेंसिंग की। अगर बैलेंसिंग आपकी क्रेडिट साइड आ रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख देंगे हम, बीइंग स्टार्टेड विद एसेट्स एंड बोरोइंग फ्रॉम बैंक। नरेशन आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट फेब की ट्रांजेक्शन थी, 2020 की डेट भी हमने लिख दी। सो ओपनिंग एंट्री बिल्कुल सेम है जैसे हमने जर्नल में डिस्कस किया। सो दिस वॉज अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। मूविंग टू नेक्स्ट, आर सेकेंड क्वेश्चन इज, प्रीति परचेज रनिंग बिजनेस ऑफ प्रीति ऑन 20th October 2017 फॉर ₹9,00,000 विद द फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। स्टॉक 3,50,000, मशीनरी 2,50,000, बैंक लोन 1,20,000, क्रेडिटर 40,000, डेटर्स 1,10,000 एंड फर्नीचर 60,000। पास एन ओपनिंग एंट्री, आपको ओपनिंग जर्नल एंट्री पास करनी है। सो ट्रांजेक्शन 20th October की है, 2017 20th October। सबसे पहले जितनी भी एसेट्स होंगे डेबिट बैलेंस लिख लेंगे। स्टॉक अकाउंट डेबिट विद रुपीज़ 3,50,000 गिवन इन द क्वेश्चन। मशीनरी भी एसेट है, डेबिट बैलेंस हो गया। मशीनरी अकाउंट डेबिट 2,50,000। डेटर्स गिवन है, एसेट होते हैं। डेटर्स अकाउंट डेबिट 1,10,000। फर्नीचर भी एसेट है, डेबिट बैलेंस होगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 60,000। जितनी भी एसेट से लिख ली, लाइबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं एक लाइन हमेशा स्किप करके। सो आपको लाइबिलिटीज में गिवन है क्रेडिटर्स अकाउंट विद रुपीज 40,000। फिर आपको गिवन है बैंक लोन, सो लिख लिया बैंक लोन अकाउंट 1,20,000। और इसके बाद क्वेश्चन में आपको गिवन है फर्स्ट लाइन में 20th October फॉर 9,00,000 विद द फॉलोइंग एसेट। 9,00,000, ये 9,00,000 क्या हुआ? ये उसकी कैपिटल हुई। सो कैपिटल भी आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, सो लिख लिया टू कैपिटल अकाउंट विद रुपीज 9,00,000। सो जितनी भी आइटम्स गिवन थी वो हमने लिख ली। अब हम इसका टोटलिंग करेंगे। सो अगर हम देखें क्रेडिट साइड, 9,00,000 प्लस 1,20,000 प्लस 40,000, ये बनता है 10,60,000। और अगर हम डेबिट साइड देखें, 3,50,000 प्लस 2,50,000 प्लस 1,10,000 प्लस 60,000, तो ये आपके पास बन रहा है 7,70,000। सो डेबिट साइड कम बन रहा है। अब बैलेंसिंग फिगर कौन सी साइड आएगी? डेबिट साइड। और जब भी बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आती है उसको हम क्या बोलते हैं? गुडविल। सो हमने यहाँ लिख लिया गुडविल अकाउंट डेबिट, यहाँ मैंने लिख भी दिया बैलेंसिंग फिगर। अब बैलेंसिंग फिगर कैसे कैलकुलेट करूंगी? 10,60,000 में से डेबिट का टोटल 7,70,000 माइनस कर लिया, तो बैलेंसिंग फिगर आ गया 2,90,000, जिससे डेबिट और क्रेडिट साइड हमारी क्या होगी? इक्वल। जब भी बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आएगी तो उसको हम क्या बोलते हैं? गुडविल। और बाद में इसकी नरेशन लिख ली, बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ट। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज,
मीना परचेज रनिंग बिजनेस ऑफ टीना ऑन 15 फेब 2018 फॉर रुपीज 6,50,000 विद द फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटी। ये जो आपको 6,50,000 गिवन है दैट इज द कैपिटल। ओके, फिर कंप्यूटर एसेट है, डेबिट बैलेंस होगा। प्रिंटर एसेट है, डेबिट बैलेंस होगा। फोटोस्टेट मशीन एसेट है, डेबिट बैलेंस होगा। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, ये लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस होगा। रेंट आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस होगा। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एसेट है, डेबिट बैलेंस होगा। सो जितनी भी एसेट्स हैं इनका डेबिट बैलेंस डाल लो, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उसका क्रेडिट बैलेंस डाल दो, कैपिटल को भी क्रेडिट कर दो। अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, अगर तो डेबिट साइड आती है तो गुडविल होगा, अगर क्रेडिट साइड आता है तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल रिजर्व, क्योंकि ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है। बट स्टिल अगर आपकी बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिजर्व, और डेबिट क्रेडिट इक्वल कर देंगे। क्लियर? ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 3 यू विल डू इट योरसेल्फ। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ऑन 1 अप्रैल 2019 द पोजिशन ऑफ सदम ट्रेडर्स वॉज एज फॉलो। आपको एक 1 अप्रैल की पोजिशन गिवन है सदम ट्रेडर्स की, लाइबिलिटी गिवन है, दिस इज योर लाइबिलिटी साइड एंड दिस इज योर एसेट साइड। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ जो है इनका ऑलरेडी बैलेंस जो है टोटल है। गिव द ओपनिंग एंट्री एंड पोस्ट द सेम इन टू लेजर। सो लेजर तो बनाने की ऐसा मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है पहले। सो यू हैव टू पास ओनली जर्नल एंट्री। अब इस जर्नल एंट्री में क्या होगा, जितनी भी एसेट्स है लाइक बिल्डिंग मशीन फर्नीचर डेटर स्टॉक कैश, इन सभी का आप क्या कर दोगे, डेबिट बैलेंस कर दोगे। जितनी भी लाइबिलिटीज और कैपिटल है इनका आप क्या कर दोगे, क्रेडिट बैलेंस कर दोगे। क्लियर? आपको बस सभी एसेट्स का डेबिट बैलेंस लिखना है, सभी लाइबिलिटीज और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस करना है। ऑटोमेटिकली दोनों साइड अपने आप इक्वल आ जाएगी, आपको इक्वल भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी जो है इनका टोटल इक्वल है। क्लियर? आपको बस इतना ही करना है कि डेबिट इक्वल कर दो, डेबिट वाले में सब डेबिट लिख लो, क्रेडिट वाले में सारे क्रेडिट कर दो, दोनों साइड अपने आप इक्वल आ जाएगी। यू हैव टू पास ओनली वन सिंपल ओपनिंग एंट्री। क्लियर? सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। वी हैव डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ऑफ जर्नल प्रॉपर।